आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना स्टीमर बिना दही के बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बनाना बताती हूँ कैसे बनाया जाता है। ये ढोकला खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए ये हमने 1.5 कप बेसन लिया है। अगर हम ग्राम में नापे तो ये 150 ग्राम है। सबसे पहले हम ढोकले का बैटर बनाएंगे, उसके लिए ये हमने बॉल लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून हींग, आधी टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, आधी टीस्पून साइट्रिक एसिड, इसे नींबू का फूल भी कहते हैं। इसके डालने से ढोकला बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार होता है। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। रिफाइंड ऑयल डालने से ढोकला बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनके तैयार होता है। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं, ये नॉर्मल पानी है। अब हम सभी चीजों को अच्छे से फेंट लेते हैं। हम जितने अच्छे से फेंटेंगे ढोकला उतना ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार होगा। मैं आपको जिस मेजरमेंट के साथ ढोकला बनाना बता रही हूँ, अगर आप उस तरीके से इस ढोकले को बनाएंगे तो आपका ढोकला बहुत ही ज्यादा स्पंजी और सॉफ्ट बन के तैयार होगा। हमने इन सभी चीजों को 3 मिनट करीब अच्छे से फेंट लिया है। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, तो बेसन को हम छान करके डालेंगे। अब हम बेसन को छान लेते हैं। बेसन के अंदर जितनी भी गुठलियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी। ये हमने बेसन को छान लिया है। अब इस बेसन को हम फेंक देते। अब हम बेसन को मिक्स कर लेते। ये हमने बेसन को मिक्स कर लिया है। ये हमने 1 कप पानी लिया है। अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल देते। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे कि लम्स ना पड़े। पानी को बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स कर देते। ये हमने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी ये बैटर गाढ़ा है। अब जो 1/2 कप पानी बचा था वो डाल देते। पानी को मिक्स कर देते। अब ये बैटर बनके तैयार हो गया है। बस हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए। हमने बैटर को बनाने में 1 कप पानी का यूज किया है। पानी बेसन के ऊपर भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बैटर को 2 से 3 मिनट करीब अच्छे से फेंट लेते हैं। हम जितने अच्छे से फेंटेंगे ढोकला उतना ही ज्यादा स्पंजी बनके तैयार होगा। 3 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये बैटर भी फिट गया है। आप देख पा रहे हैं बैटर का कलर चेंज हो गया है और बैटर हल्का भी हो गया है। अब हम इस बैटर को 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। हम ढोकले को कटोरी में बनाएंगे, तो हम कटोरी में ऑयल लगा देते हैं जिससे कि ढोकला आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये हमने ऑयल लगा लिया है। इस तरीके से हम चारों कटोरियों में ऑयल लगा लेंगे। हमने सभी कटोरियों में ऑयल लगा लिया है। हम ढोकले को कढ़ाई में बनाएंगे, तो अब हम कढ़ाई के अंदर 1.5 ग्लास पानी डाल देते हैं। कढ़ाई की जगह भगोने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पानी को गर्म होने देते हैं। जब तक पानी गर्म हो रहा है हम बैटर को देख लेते हैं। अब इधर बैटर भी सेट हो गया है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग सोडा को हल्के हाथों से मिक्स कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं बैटर फूलना शुरू हो गया है और बैटर हल्का भी हो गया है। अब हम इस बैटर को कटोरियों में डाल देते। हमें ये काम जल्दी में करना है। अब हम बैटर को कटोरी में डाल देते। हम कटोरी में बैटर 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ऊपर तक डालेंगे क्योंकि ढोकले भी अभी फूलेंगे। हमने कटोरियों में 1/2 कटोरी से थोड़े से ऊपर तक बैटर डाल दिया है। अब हम कटोरियों को इस तरीके से टैप कर लेते हैं। इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स होंगी वो निकल जाएंगे। अब हम कढ़ाई में पानी को देख लेते हैं।
अब इधर पानी भी गर्म हो गया है, अब हम पानी में स्टैंड डाल देते हैं और इसके ऊपर इन कटोरियों को रख देते हैं। अब हम इसे ढक देते हैं और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देते हैं। 12 मिनट करीब हो गए हैं, अब हम ढोकले को चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ढोकले कितने फूल गए हैं। अब हम ढोकले को चेक करेंगे, इसके लिए हमने ये स्टिक ली है। अब स्टिक को हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए स्टिक एकदम क्लीन है, इसका मतलब ये ढोकले स्टीम हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, ढोकलों को बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने ढोकले बाहर निकाल लिए हैं, अभी ये ढोकले काफी गर्म है, अब हम इनको ठंडा होने देते हैं। अब ये ढोकले ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। हम इस तरीके से ढोकले को साइड से लूज कर लेते हैं। और इस तरीके से हम रख करके इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितने आसानी से ढोकला निकल गया है। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया स्पंजी ढोकला बनके तैयार हुआ है। बनाए ना कितना स्पंजी और कितने जालीदार बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा। ये ढोकला खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इस तरीके से हम सभी ढोकले निकाल लेंगे। आप चाहे तो ढोकले को नाइफ से भी लूज कर सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया ढोकले बनके तैयार हुए हैं। इस तरीके से हम सभी ढोकले निकाल लेंगे। ये हमने सभी ढोकलों को निकाल लिया है, अब जो बैटर बचा है हम उसके भी ढोकले बना लेते हैं। अब हम ढोकले के लिए तड़का बना लेते हैं। इसके लिए हमने गैस पे तड़का पैन रख दिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर 2 चुटकी हींग डाल देते, 1 टीस्पून राई। राई को तड़कने देते। राई तड़कने लगी है, फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। अब हम इसके अंदर 3 हरी मिर्च डालेंगे जिसे हमने छोटे पीस में काट लिया है, 1 टीस्पून सफेद वाले तिल, थोड़े से करी पत्ते। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून चीनी डाल देते। इसे ढोकले के अंदर खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, उससे ढोकला खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम सभी चीजों को मिक्स कर लेते। अब ये सभी चीजें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे। अब हम पानी को स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। इस तरीके से जब हम तड़का बना करके ढोकले में डालते हैं तो ढोकला खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज आप तक सबसे पहले आए। ये एकदम फ्री है। 3 मिनट करीब हो गए, अब ये तड़का भी बनके तैयार हो गया है। जो हमने चीनी डाली थी वो भी मेल्ट हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और तड़के को हल्का ठंडा होने देते हैं। अब ये तड़का हल्का ठंडा हो गया है, अब हम इसके अंदर 1/2 नींबू का रस डाल देते हैं। इसे ढोकले में खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, उससे ढोकला खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। नींबू के रस को मिक्स कर देते। अब हम तड़के को ढोकले के ऊपर डालेंगे। ये हमने सभी ढोकले बना के तैयार कर लिए हैं। अब जो हमने तड़के वाला पानी बनाया था वो हम ढोकले पे डाल देते और इस पानी को डालने से ढोकले खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया ढोकले बनके तैयार हुए हैं। आप भी एक बार इन ढोकलों को जरूर बनाइएगा, आपको भी ये ढोकले बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया है अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपके ढोकले भी बिल्कुल ऐसे ही बनके तैयार होंगे।
और आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आप इन ढोकलों को कब बना रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज्यादा ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये ढोकले कैसे लगे। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इन ढोकलों को बनाना कितना आसान है, झट से बनके तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको ढोकले को पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने जालीदार और स्पंजी बनके तैयार हुए हैं और देखते ही हो रही है ना खाने की इच्छा। अब मैं आपको ढोकले को काट के भी दिखा देती हूँ। हमने इन ढोकले में ना इनो ना दही ना स्टीमर का यूज किया है, फिर भी ये ढोकले कितने रुई की तरह सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार हुए हैं। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया है, अगर आप उस तरीके से इन ढोकलों को बनाएंगे तो आपके ढोकले भी बिल्कुल ऐसे ही बनके तैयार होंगे। आप इन ढोकलों को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये ढोकले खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए कितना स्पंजी और जालीदार बनके तैयार हुआ है। अब हम ढोकले के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते, उसे ढोकला खाने में भी टेस्टी लगेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। अगर आपको मेरी ढोकले की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।